लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सदाकत हुसैन, मैंने आपको नहीं पहचाना। जुबी मुझे बाबा कह के पुकारती है। अच्छा, जुबी कहाँ है? जी वो किसी काम से बाहर गई है। बाजू में तुम्हारा क्या नाम है? जी सुनाली। अच्छा, तो तुम्हारा नाम सुनाली है? जी। जुबी अक्सर तुम्हारा जिक्र करती है, एक बात बताओ। जी कहिए। हमारा क्या मिशन है तुम्हें पता होगा? जी सब कुछ तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं। अगर तुम मिशन में शामिल हो तो सब कुछ जानना जरूरी है, और सब कुछ जानकर उसे कैद कर लो एक राज की तरह। राज वो होता है जो चंद लोग जानते हैं, सब नहीं। इस राज में पहले जुबी शामिल थी, अब तुम हो। जी जानती हूँ, जुबी ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। वैसे भी मैं और जुबी अलग नहीं है। नहीं, अलग हो, बिल्कुल अलग। ये मिशन जुबी के लिए जिंदगी है, तुम्हारे लिए महज एक जरूरत। जरूरतें बदला करती हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती, खत्म हो जाती है। अगर ये मिशन कामयाब नहीं रहा तो तुम तो अपनी जरूरतें बदल लोगी, लेकिन जुबी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईद का चांद मुबारक हो अम्मी। तुम्हें भी मुबारक हो। क्या दुआ मांगी आपने? यही कि अल्लाह इस घर का अमन चैन बरकरार रखे और उस कमबख्त अबीर से हमारा पीछा छूटे। बिल्कुल ठीक किया अम्मी, मैंने भी चांद देकर यही दुआ मांगी। जिस दिन से भाभी जान के कदम इस घर में आए हैं, उस दिन से इस घर का सुकून और चैन तो जैसे खत्म ही हो गया है। वाह, आप लोगों के ख्यालात भाभी जान के लिए कितने गलत हैं। बल्कि जब से वो यहां आई, घर में बाहर आ गई, खुशियों के दरवाजे खुल गए। ताहा, अबीर की तारीफ करनी है तो उसके मुंह पर करो, हमारे सामने नहीं। वो औरत हारिस को निकल गई, मेरे भाई को खा गई, और तुम कहते हो कि उसके आने से बाहर आ गई, खुशियों के दरवाजे खुल गए। जाओ और जाकर अबीर के साथ मिलकर खुशियां मनाओ। ताह, कब तक अम्मी जान का दिल जलाते रहोगे? कब तक भाभी जान को लेकर उन्हें टेंशन देते रहोगे? बस करो, बहुत हो गया ये सब। बात तो सही है, मुझे भाभी जान के साथ मिलकर खुशियां मनानी चाहिए। ईद मुबारक हो भाभी जान। ये क्या भाभी जान, आप रो रही हैं? नहीं तो बस यूं ही। मैं जानती हूँ आप हारिस भाई जान की याद में। हाँ ना, मैं उनकी याद को भुला नहीं सकती। कल उनको हमसे जुदा हुए पूरा एक साल हो जाएगा। काश वो याद होते। मैं आपका दर्द समझती हूँ भाभी जान। वो आपके शौहर थे तो मेरे भी भाई जान थे। उनके जुदा होने के गम को बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन गम के कारण खुशियों को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम ठीक कह रही हो ना, लेकिन तुम्हारे भाईजान के बगैर
हर खुशी अधूरी है। मेरे लबों की मुस्कुराहट उनके साथ ही दफन हो गई। सब्र कीजिए भाभी जान, वक्त के साथ साथ बड़े से बड़ा जख्म भर जाया करता है और इंसान फिर वही अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, आपका दामन खुशियों से भर दे। आप बस अपने आप को संभालिए। ये क्या है और किसने भेजा है? पता नहीं अम्मी। अरे ये तो अबीर के नाम से है और भेजने वाले का नाम हारिस लिखा है। देखो अम्मी कितना ऐसा हो सकता है। अरे हाँ आप तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो हारिस भाईजान के नाम से भेजा गया है। क्या बात है? तुम्हारी चहेती भाभी जान के लिए किसी ने एक गिफ्ट भेजा है और वो भी हारिस भाईजान के नाम से। अना अबीर को बुला के ला। जी अम्मी। अम्मी इसे खोल कर देखना चाहिए, आखिर इसमें है क्या? नहीं अबीर को आने दो ताकि वो भी अपनी आंखों से देख ले हारिस के नाम से उसके किस आशिक ने उसे क्या भेजा है। ये पैकेट तुम्हारे नाम से आया है और भेजने वाले का नाम हारिस लिखा है। मंतशा खोलो इसे। जी अम्मी। जान पढ़ेंगे। पढ़िए अभी। मेरी जिंदगी मेरा सुकून अबीर खुश रहो। ईद का चांद मुबारक।
ये साल तुम्हारी जिंदगी में हजारों लाखों खुशियां लाए। तुम बेवा नहीं हो। तुम्हारा हारिस जिंदा है। मेरी तरफ से ईद का यह तोहफा कबूल करो और ईद की खुशियों में कमी आने कभी मत देना। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा हारिस। बोलो ताह, अब क्या कहते हो? तुम्हारी नजर में हारिस वाकई जिंदा है या फिर यह हरकत अबीर के किसी आशिक की है? अम्मी जान, आपसे ज्यादा बहस ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है हारिस भाईजान हयात हो। चलो आना। अम्मी जान, आज जिसने भाभी जान के लिए चूड़ियां, कपड़े और मेहंदी भेजी है, हो सकता है कल को उसकी हिम्मत बढ़ जाए और वो कोई और हरकत कर बैठे। तुम ठीक कहती हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमें इस बात की तह तक जाना पड़ेगा कि हारिस वाकई जिंदा है या फिर अबीर का कोई आशिक हारिस के नाम का फायदा उठा रहा है। भाभी जान, रोइए मत। देखिए, रोने से मुश्किल आसान नहीं होती। अब तुम ही बताता, हारिस बनकर ये सामान किसने भेजा? मुझे क्या मालूम, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहा है। बार बार क्या मतलब भाभी जान? हारिस के नाम से मुझे पहले भी फोन आ चुके हैं। पता नहीं कौन मुझे बदनाम करना चाहता है। लेकिन भाभी जान, आपने पहले कभी नहीं बताया कि कोई आपको तंग कर रहा है। मैं यही सोचकर खामोश रही कि मैं तो टेंशन में हूं ही, तुम लोगों क्यों परेशान करूं। क्या भाभी जान, आप पहले बता देती, हम कोई ना कोई हल निकाल लेते। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि बार बार मुझे फोन पर यही कहा जाता है कि तुम्हारा हारिस जिंदा है, और आज लेटर में तुमने यही पढ़ा। अगर हारिस हयात है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आते? आप फिक्र मत करिए भाभी जान, एक ना एक दिन हकीकत सामने आएगी। खुदा ना खास्ता आप पे कोई परेशानी आए तो आप मुझे बताइएगा। वैसे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि आप तो जानती हैं कि अम्मी और बाजी राई का पहाड़ बनाने में माहिर हैं। सलाम जनाब, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वो ऐसा है कि आज तो हम बहुत मसरूफ हैं, इंशाल्लाह कल बासीद पर आपसे मुलाकात होगी। जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बेटे, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों अबू? हमें सोहेल साहब की दावत पर जाना है। लेकिन अब वो जो लोग हमें यहाँ पे ईद मिलने आएंगे उन्हें वापस जाना पड़ेगा, क्या ये ठीक होगा? बेटे, हमसे मिलने वाला हर शख्स वहां मौजूद होगा, उनसे वहां मुलाकात हो जाएगी,
और खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं आया तो उनसे कल बासीद पर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन बेटे तुम्हारा सोहेल साहब के यहां जाना बहुत जरूरी है। आप जानते ना हर साल वो ईद की दावत करते हैं और हम वहां जाते हैं। बहुत खास इंसान है वो। ऐसे लोगों के साथ मेलजोल रखना अच्छा होता है। बिजनेस में तरक्की होती है बेटे। और फिर ये मत भूलो हमारे हर प्रोजेक्ट को वही फाइनेंस करते हैं और हर ईद पर हम की दावत पे जाते हैं। ठीक है अब्बू, जैसा आप मुनासिब समझे। एक काम कीजिए, अपनी अम्मी जान से कहिए फौरन तैयार हो जाए। ठीक है अब्बू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। बेटी मेरी तबीयत का तो तुम्हें इल्म है, मैं पार्टी में नहीं जा सकूंगा। अबू मैं भी नहीं जाना चाहती। बेटी सुहेल साहब ने ईद की पार्टी दी है और हम उनके खास मेहमान हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो नाराज हो सकते हैं, उनको बुरा लग सकता है। अबू मैं वहाँ किसी को नहीं जानती, मैं अकेले जाके क्या करूँगी। बेटी अगर ऐसी बात है तो अपनी अम्मी को ले जाओ। अम्मी आप चलेंगी? रिदा तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी अब्बू की तबीयत खराब है और इनकी तबीयत का कोई भरोसा नहीं। एक पल ठीक रहते हैं और दूसरे पल इतनी खराब हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता। अम्मी अकेले जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है। तो और क्या है? वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे जिन्हें जानने का पहचानने का तुम्हें मौका मिलेगा, जो हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बेटी तुम्हारी वालदा ठीक कह रही है। ठीक है अगर आप दोनों चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। ये तो नहीं कह सकता कि आप आंसू मत बहाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये सब झूठी तसल्लियां होती हैं, इनसे दिल का दर्द कम नहीं होता। मैं तो एक ही बात कहूंगा भाभी जान कि आंसू बहाने से गम खुशी में नहीं बदल जाता, जिंदगी ठहर नहीं जाती। हारिस भाईजान के चले जाने का गम सिर्फ आपको नहीं बल्कि हम सबको है। हारिस भाईजान की यादें हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन भाभी जान हम सबकी हालत देखकर हारिस भाईजान की रूह को सुकून मिलेगा? भाभी जान आप तैयार हो जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी जान प्लीज। ताहब, अगर मैं कहूं कि पार्टी से ज्यादा खुशी मुझे हारिस की यादों के साथ रहने में है तो मुझे फोर्स मत करो।